जी सारा दिल्ली का मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिहड़े जिहड़े भी मंच ते तुसीं पब्लिक नूं ये जानकारियां देनियां ने जो अज मैं तुहाडे नाल सांझियां करना आया। बहुत ही गंभीर मुद्दा और कल दा दिन जानी कि 17 सितंबर दा दिन किसानी वास्ते, किसानां वास्ते, खेत मजदूरां वास्ते ते खेती नाल जुड़े हुए होर बहुत सारे लखां लोकां वास्ते काले दिन दे तौर ते देखिया जाऊगा, मनाया जाया करूगा। जदों प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिन वाले दिन किसानी ते उन्हां दी जिहड़ी जमीन जिहड़ी है ओह पूंजीपतियां दे हत्थीं वेच के एक तोहफा जन्मदिन दा पंजाब दे नहीं पूरे देश दे किसानां नूं दित्ता। इस बिल दा असीं शुरू तो विरोध करदे आ रहे हां। जून दे विच इह ऑर्डीनेंस आया सी तां असीं जून तो प्रेस कॉन्फ्रेंसां करके धरने दे के राजपाल नूं मिल के ऑल पार्टी मीटिंग दी मंग कीती, उहदे विच विरोध कीता, विधानसभा दे विच प्रस्ताव आया उहदा, इस बिल दा विरोध दे विच प्रस्ताव आया, असीं कांग्रेस नूं सपोर्ट कीती, अकाली दल उहदे विचों गायब रहा ते अकाली दल 3 महीने ये कहिंदा रहा। प्रकाश सिंह बादल दी वीडियो भी आई, सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, वर्चुअल जिहड़े वैब कॉन्फ्रेंसां कीतियां, हरसिमरत कौर दियां वीडियो पईयां ने, बिक्रमजीत मजीठिया, अकाली दल दी जिन्नी भी ए बी सी टीम सारयां ने 3 महीने कहिंदे रहे बिल बहुत वधिया जी, किसानां दे हक च है, विरोधी पार्टियां गुमराह कर रहियां ने, साडी तोमर जी नाल गल हो गई, खेती मंत्री नरेंद्र तोमर नूं चंडीगढ़ लै के भी गए, उन्हां तों कहाया, नरेंद्र तोमर दियां चिट्ठियां जारी कीतियां, सुखबीर बादल होरां ने कहा अमित शाह नाल गल हो गई, बिल बहुत वधिया, घबराउण दी लोड़ नहीं। ते फिर अचानक जदों दबाव पिया, लोकां दा पता लग गया ग्राउंड की है, ग्राउंड रियलिटी की है, तां जदों लोकां ने लिखता पिंडां दे विच हरेक पिंड दी एंट्री पॉइंट ते कि उही पिंडां विच वड़ू जिहड़ा किसानां दे हक च खड़ू, तां इहनां नूं जमीन खिसकदी नज़र आई, तां अचानक जिहड़े आ उह यू टर्न उहनां ने मारिया ते जिहड़ा जरूरी वस्तां वाला बिल सी उस दिन विरोध कीता। ते फिर बाहर आ के ये भी कहा कि मैं तां खेती ऑर्डीनेंसां दे विरोध च वोट पा के आया, ते ये भी गलत जानकारी दी कि भगवंत मान ते कांग्रेस जिहड़ी सी वाकआउट कर गई, जबकि खेती ऑर्डीनेंस तां कल आए ने, फिर वो कित्थे पाया वोट जी, हुण दसण 2 दिन एवें कहिंदे रहे, पता नहीं किहड़े लैटर बॉक्स च वोट पाया है वो। सो कल भी ध्वनी मत नाल पास होया, हुण मीडिया चल रहा है कि विरोधी धिर ने वोटिंग की मंग नहीं की, इहदा मतलब ध्वनी मत नूं वोटिंग नहीं कहिंदे, यही तो मैं कह रहा सी उस दिन का। सो कल भी उन्होंने हाँ या ना, और कांग्रेस ने वाकआउट किया कल। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, मैं भी उत्थे मौजूद सी, असी ना कहा जो तो बहुमत हाँ वालों का तो हूँ तो कोई फायदा नहीं, मैं यही कह रहा सीगा कि जिहड़ा इस्तीफा दिता हरसिमरत कौर ने, शुक्र है थोड़ी बहुत उन्होंने गट्स दिखाए ने, पर यह फायदा नहीं है हूँ कोई, ये लंघे हुए सप्प की लीह कुटन के बराबर है। इस्तीफा देना सी तां उदों देना सी जदों यह कैबिनेट दे विच जून दे विच कैबिनेट दे विच ऑर्डीनेंस आया सी, उस दिन विरोध कर दे, जे उन्हां दा विरोध ना मन्निया जांदा वाकआउट कर दे कैबिनेट चों, बाहर आके मीडिया नूं कहिंदे कि मैं वाकआउट करके आई हां, बिल जिहड़ा किसान विरोधी है, पर उस दिन नहीं कीता क्योंकि उस दिन तक उन्होंने पता ही नहीं सी कि पंजाब दे किसान, किसानी नाल जुड़े हुई जथेबंदियां, आम आदमी पार्टी एडा वड्डा संघर्ष जिहड़ा वो सड़कां ते खड़ा कर देणगे। सो कल मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया, मैं इस बिल बारे कहा कि अन्नदाता कहा जाता किसान नूं, अन्नदाता भिखारी बनूगा इस बिल नाल, वो अपने ट्रैक्टर दे उत्ते लिखदा खेतां दा राजा,
वो उसका ट्रैक्टर जो है उस पर वो लिखता है खेतों का राजा। अब उसका ट्रैक्टर जो राजा जिसको कहता है वो भी बिकाऊ होगा, फॉर सेल हो जाएगा। इस बिल नाल किसान दी की हालत होनी है मैं दस देना। जो प्राइवेट प्लेयर आ गए किसानों दी जमीना नाल, उन्होंने किसानों नाल कर लिया एग्रीमेंट 21 साल दे, 31 साल दे, तो आप देखते हैं जदों जिहड़े जानवरां वाले चैनल ने कि शेर जिहड़ा है वह मेहनत करके शिकार मारदा है, शिकार मार के हजे 5 मिनट भी नहीं होए होंदे, उहनूं 40, 50, 60 लकड़ बगे आ जांदे आ, वह आके शेर नूं भजा दिंदे आ। तां शेर जिहड़ा है वह थोड़ी दूर बैठा लाचार बेबस बैठा देखी जांदा हुंदा है वी यार मारिया मैं सी शिकार, ये खा इहनूं कोई होर रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर वर्गी जिहड़ी हालत है वह किसान की हो जाऊगी इहदे नाल, जदों वह अपनी ही जमीन दे विच्चों वड्डे वड्डे पूंजीपतियां दे ट्रक जिहड़े ने वह कदे किसी फसल दे कदे किसी फसल दे भर दे जांदे देखूगा, तो आप वह मालक उहदा मालकाना हक उहदा होगा पर वह मालक नहीं होगा। सो बहुत घातक ते बहुत पता नहीं किहड़ी जिद फड़ी हुई है बीजेपी सरकार ने, ऑर्डीनेंस खेती ऑर्डीनेंस क्यों बई वाए, एडा केड़ी एमरजेंसी आ गई कि ऑर्डीनेंस। मैं तो यह भी कहा कल कि पंजाब ते हरियाणा क्योंकि MSP हैगी इत्थे प्रोक्योरमेंट दा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बनिया होया, तुसीं पंजाब हरियाणा नूं इहदे विच्चों छड दिंदे एग्जाम्प्ट कर दिंदे, बाकी देश दे विच्च जिहड़ा तुसीं कहिंदे क्रांतिकारी बिल है इहनूं लागू कर लैंदे, जे बाकी देश दे विच्च कामयाब हो जांदा तां पंजाब ते हरियाणा नूं लै लैंदे नाल, नहीं जिद ते अड़े होए ने। ऑलरेडी यह कानून इन्हां ने बिहार च लागू करके देखिया तां बिहार दे विच्च की हाल है, जिहड़े बिहार ते यूपी तों जिहड़े लेबर है जिहड़े मजदूर है पंजाब दे विच्च हरियाणे च काम करन आउंदे ने उहनां कोल भी जमीनां ने, कोई 4 एकड़ का मालिक है कोई 5 एकड़ का मालिक है, उन्होंने मजदूरी क्यों करनी पैंदी है क्योंकि उत्थे MSP है नहीं, तो पंजाब के किसान नाल भी यही होगा, हुण जमीना खोल लैणगे बड़े बड़े क्लस्टर बनणगे गडाउन बनणगे तो मंडियां खत्म, मंडीकरण बोर्ड खत्म, पंजाब का 64,000 किलोमीटर के लगभग सड़कां मंडीकरण बोर्ड के उस मंडी फीस के रूप जिहड़ा पैसा आउंदा 3600-3700 करोड़ रुपया उहदे नाल बणदा, किसानों नूं सबसिडियां देनियां वह भी उहदे च आउंदियां ने, कोई किसानों के खेती के संदां ते सबसिडी देनी है औजारां ते सबसिडी उहदे च आउंदी है, वह सारा खत्म, आड़ती है खत्म, मुनीम खत्म, लखां की गिणती च पल्लेदार ट्रांसपोर्टर खत्म, कल्ला यह किसानी नाल जुड़िया नहीं, किसानी के नाल जिहड़े जुड़े हुए होर सहायक धंदे ने सारे खत्म हो जाने। बहुत विरोध किया बड़ा रौला पाया पर नहीं मने, ऑर्डीनेंस सानू बिल दे रूप च लैके आउंदे। सो ये जिहड़े हुण मगरमच्छ दे अथरू बहाउंदे आ, कांग्रेस भी उन्नी जिम्मेदार है इस बिल दे विच क्योंकि हाई पावर कमेटी जिहड़ी मुख्यमंत्रियां दी सी उहदे विच पंजाब दा मुख्यमंत्री शामिल सी, एक वारी मनप्रीत बादल ते एक वार कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग शामिल होए, उत्थे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, मंत्री ने मिनट्स जारी करते उस मीटिंग दे, कहिंदे हाँ ये बिल आना चाहिए, अंदर खाते तो बिल ते साइन करके आउंदे ने कि हाँ आना चाहिए, बाहर जाके कांग्रेस भी एक दिखावे का विरोध करती है, ऑर्डीनेंस के खिलाफ मता पास करती है विधानसभा च, ते विप जारी कर दिया हुण किस दा विरोध चा। सो कांग्रेस भी कैप्टन साहब भी उन्नी जिम्मेदार ने क्योंकि कैप्टन साहब भी दी जिहड़ी नब्ज़ है ना वह BJP दे हाथ च ही है, वह बाह मरोड़ के काम कराउंदे आ, एक भी इहोजा फैसला ला जिहड़ा पंजाब सरकार ने कहा होवे असीं लागू नहीं करदे, जिहड़ा मर्जी फैसला करवाउणा होवे, आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है कि जी राजपुरे वाला थर्मल प्लांट भी बेच दो, मतलब सारे जिहड़े सरकारी थर्मल प्लांट नूं बेच दो प्राइवेट नूं रख लो ते बिजली की सबसिडी खत्म कर दो, ये आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है मोंटे कालूवाली, उन्हूं भी कहिंदे लागू करांगे, ये भी किसान विरोधी है। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इस बार आया नहीं क्योंकि काफ़ी BJP दे जिहड़े रूल्ड स्टेट ने उन्होंने विरोध किया, अगली बार वह भी लैके आउणगे। बहुमत का मतलब यह नहीं है BJP जी कि तुसीं कुछ भी कर लोगे,
10 साल तक कैप अभी मनमोहन सिंह की भी सरकार रही है, तो थोड़ी भी दूजी बारी सरकार है। हर रात की सुबह होती है, ये ना समझो कि थोड़ा यह चलता ही रहूगा। ये सरकार आदि जा पर जोड़े फैसले तुम लोग विरोधी कर रहे हो वो तो बहुत नुकसानदायक रहेंगे। अज पंजाब सड़कों पर है, जु जड़िया किसान जथेबंधियां ने 25 सितंबर उन्होंने पंजाब बंद का सद्दा दिता। इस तो बाद हुण परख होगी कि कौन असल रूप च खड़दा किसानों के नाल। आम आदमी पार्टी पहला भी किसानों नाल सी, हुण भी है, तो फ्यूचर च भी रहेगी। मेरी संगरूर कंस्टिट्यूएंसी है 100% किसानी या किसानी नाल जुड़े हुए धंधिया नाल रिलेटेड है जी। 900 के करीब पिंड है खेती करते हैं, जोड़े मजदूर है खेत मजदूर वो उस खेती तो रोटी खाते हैं। बाकी सारिया मंडियां ने, खनौरी मंडी है, लहरा मंडी है, धूरी मंडी है, भवानीगढ़ मंडी है, दिड़बा मंडी है, मलेरकोटला मंडी है, भदौड़ मंडी है, बरनाला मंडी है, महलकला मंडी है, सारिया मंडियां ने। और किसानी नाल जिहड़े लिंक्ड धंधे ने उन्हां नाल ही सारिया का रुजगार चलता, वो सारे ही बेरोजगार हो जाने। और संगरूर पंजाब दे विच सब तो वध पैदावार करता कणक की भी और झोने की। तो हुण इस बिल राही जो ये कहिंदे किसानां नूं आजादी देण वाला बिल है, असल च किसानां नूं जंजीरां नाल बन्नण वाला बिल है। पूंजीपतियां नूं आजादी मिलेगी, पहला भंडारी करन वाला बिल लागू करके उन्हां दे हाथ च सारा कुछ देता सरकार दा, कोई कंट्रोल नहीं, ना स्टेट दा कंट्रोल है। फैडरल ढांचे नूं बहुत वड्डी सट वजी है इस नाल, जिहड़े जिहड़े साडे देश दे सूबे ने GST नाल पहले ही उन्हां दे हाथ च ठूठे फड़ाते कि तुसी सानू टैक्स इकट्ठा करके दे दिया करो, तुहाडे वाला हिस्सा बाद च साथों मंगी जाया करो, तो वह मुकर गए। हुण आ भी जिहड़ी एग्रीकल्चर है वह भी स्टेट जिहड़ा इशू है वह भी खोलिया, स्टेट सबजैक्ट है। मैं एक एग्जाम्पल दिना, आलू है, आलू जदों किसान पैदा करता बिकता नहीं तो किसान आलूआं नूं सड़कां ते ढेरी ला दिंदा, पर उही आलू जदों चिप्स वाली कंपनी कोल चला जांदा तो एक आलू की कीमत 10 से 15 रुपए हो जाती है। उही आलू जदों मैकडोनल्ड या बर्गर किंग कोल चला जांदा फ्राइज के रूप च तो उस आलू की कीमत 30 से 40 रुपए हो जाती है। उही आलू जदों 5-star च मैश पोटैटो के रूप चला जाता तो उही आलू की कीमत 200-300 हो जाती है। जिन्हें आलू उगाए उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें तो सड़कों पर ढेरी लानी पैंदी है कि मैं तो इदां ही सुट देना, मैथों नहीं हुंदा, मैथों स्टोरेज का खर्चा कोल्ड स्टोरेज का खर्चा भी नहीं दिता जाता। सो उस तरीके इन्होंने करना। और पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, पंजाब ने हरी क्रांति वेले देश के जोड़े अन्न की प्रॉब्लम सी, जो अमरीका मूहे हाथ फटते कणक मंगाने उस वे पंजाब के किसान ने मिट्टी ना मिट्टी होकर मिट्टी चो सोना उगाया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उदों दियां गल्लां ने जो ये गाने आते। पहला ट्रालिया तो फोटो लगी होंदिया सी, जय जवान जय किसान, जय जवान तो ट्राली की बैकसाइड पर जी ट्रैक्टर के पिछे ट्राली वो बैकसाइड पर फौजी की फोटो होंगी सी, जय किसान तो किसान की फोटो होंगी सी। पर हुण ये दोनों फोटो अजकल जिहड़ी ट्रालियां ने उन्होंने छपदियां नहीं, हुण किसान की फोटो खुदकुशी वाली लगी होंगी है तो जवान की फोटो शहीद वाली लगी होंगी। हुण जय जवान जय किसान नहीं, मर मर जवान मर किसान है। बार्डर से भी असी मरते हैं तो उन्होंने परिवार जोड़े ने किसानी ना जुड़े हुए मुंडे जोड़े फौजा भर्ती होंगे है भी, चल एक फौज हो गया भरा एक खेती करता। हुण जदों उधरों भी खबर आती है कि उत्थे गोलीबारी सीना जिथे डाई बैठे ने उत्थे शहीद हो गया, तो इधरों भी खबर आती है कि साड़ी तो जमीन भी खोली। सो चारे पास्यों मारे जा रहा, सिर्फ खेती सी जिहड़ी इस बार GDP दे विच 3.4% पॉजिटिव आई सी, कल्ला खेती सैक्टर, बाकी सारे नैगेटिव ने, 50% नैगेटिव है, कोई 40% है। तो वह जी पॉजिटिव आई है उन्होंने भी हुण जिहड़ा वह क्रांतिकारी फैसले जिहड़े कहिंदे ने उन्हां राहीं खत्म किया जा रहा। पार्लीमेंट भी मैं बोलिया सी बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, बैंकों का दुआला निकल गया, तो हुण कोऑपरेट जिहड़ियां बैंकां ने वह भी किसानी नाल संबंध ने वह भी लैन लगे, ऐसा वह भी स्टेट इशू सी। तो जिहड़ियां स्टेटां ने वो तो बस एक भिखारी के रूप सेंटर वल देखिया करनगे, फैडरलिज्म नूं बिल्कुल तोड़िया जा रहा है। सो कांग्रेस नूं मैं
ये पूछना चाहना कि तुसी अपना स्टैंड स्पष्ट करो। चलो अकाली दल ने तो टाइम जहा देख के अपना बना लिया यू टर्न, तो तुसी हुण दसो कि तुसी साइन उदों क्यों कीते, तुसी उदों क्यों नहीं विरोध किया कि नहीं ये आना नहीं चाहिए बिल, नहीं ये ऑर्डिनेंस जिहड़ा बिल के रूप च पार्लीमेंट च आना नहीं चाहिए, ये इत्थे तक बिल पहुँचना ही नहीं चाहिए सी, क्योंकि जो बिल पहुँच ही गया लोग सभा च तो उत्थे तां बहुमत है पास हो जूगा। पर फिर भी मैं तुहाडे जरिए राज्य सभा दे सारे विरोधी पार्टियां दे भी ते बीजेपी दे जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए जिहड़े एम पी ने राज्य सभा दे, हुणे बिल राज्य सभा जाऊगा, मैं उन्हां नूं बेनती करदा कि विप ते ना जायो, जमीर नूं पुछ के वोट पायो, ते वाकआउट वाले ड्रामे ना करियो, उहदे नाल तां अद्धी सपोर्ट ही हो जांदी है, नंबर घट जांदे ने। सो राज्य सभा दे विच जदों बिल आया मैनूं उम्मीद है कि सारिया विरोधी पार्टियां इकट्ठिया होकर इस बिल नूं राज्य सभा च रोक सकदियां ने, पहला भी कई बिल राज्य सभा चों मुड़े ने, साडे तां तीन दे तीन जिहड़े राज्य सभा दे मैंबर ने ओह इस बिल दे विरोध दे विच वोट पाउणगे रैड कलर दा बटन दब के जदों डिवीजन होऊगा। उत्थे मैं हिंदी दे विच ट्रांसलेट कर देना कि कल का दिन जो है 17 सितंबर का दिन किसानी और किसानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए काले दिन के काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान की खेती और किसान की ज़मीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथों में देकर अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, जब इस पर डिबेट हुई मैंने पार्लियामेंट में ये बोला कि अन्नदाता जो है, दाता जो दाते बांटता है, वो खुद अपना पेट भूखे सो रहा है और देश का पेट पाल रहा है, अब दाता भी भिखारी बनेगा और उसका जो ट्रैक्टर है उस पर वो लिखता है खुशी से खेतों का राजा, वो राजा भी बिकाऊ हो जाएगा, बिकेगा वो, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आ गए तो छोटे छोटे किसानों को कौन पूछेगा वहाँ। तो बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने, अब पंजाब हरियाणा में यूपी में छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर हैं किसान, और यूपी में रुद्रपुर वगैरह उधमपुर वगैरह जो नैनीताल के पास का एरिया जो जंगल था बहुत बड़ा, पंजाब के किसानों ने वहाँ जाकर जंगल को काट कर शेरों से लड़ाई हुई, शेरों ने हमले किए, कई किसान शेरों के हमले में मारे भी गए, लेकिन शेरों को भगाकर उस जंगल में मंगल कर दिया, अब वहाँ अच्छी खासी खेती होती है, बहुत ही मतलब हरियाली वाला एरिया है, जो किसान शेरों को हराकर शेर से लड़ाई करता है ना उसको, उसके लिए और कोई भी लड़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। सो शेरों से लड़ने वाली कौम के साथ ना पंगा लो, ये किसान के गले में हाथ डाल रहे हैं, जब गले में हाथ डालता है तो विरोध तो होता है, कोई इनकी पुलिस की लाठियां, कोई इनके कानून FIR जेल इस क्रांति को नहीं रोक सकती। हरी क्रांति ने पंजाब का नुकसान किया है, हमारा जो ग्राउंड लेवल है ना पानी का वो इतना नीचे चला गया है कि 600-700 फुट पर हमें पानी मिल रहा है, पंजाब मारुथल बनने की कगार पर है, क्योंकि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 5,000 लीटर के आसपास पानी लगता है 1 किलो चावल के लिए। हमने पानी भी अपना धरती से निकाल कर देश को दे दिया, अब कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे जी आपका आपकी फसल, FCI ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, अपना खुद ही देखो। तो ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है, देश के किसान के साथ ये धोखा है, और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी BJP और अकाली दल जिम्मेदार है, और अकाली दल की तरफ से कल इस्तीफा देने का एक अच्छा सीरियल
ड्रामा किया गया और अब इस्तीफा देने का क्या फायदा हुआ। पंजाबी की कहावत है, वेले दे काम कवेले दी टकरा। सो अगर तो काम समय पर हो जाए तो उसको माना जाता है समय पर काम किया, लेकिन जब अगर समय के बाद कुछ हो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था तो पहले देना चाहिए था, जब पूरा बादल परिवार वीडियो डाल रहा था बहुत अच्छा बिल है बहुत अच्छा बिल है, अपने पिताजी की भी 10-15 दिन की वीडियो की लाज नहीं रखी, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। अब कह रहे हैं जी हमें तो बिल पढ़ाया ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर हैं अकाली दल, यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए और बाहर जाके विरोध करते हैं। ऐसी अकाली दल करता है, एनआरसी के खिलाफ पंजाब में बोलते हैं और एनआरसी के पक्ष में संसद में वोट करते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पे एनआरसी की अपना जमीन अधिग्रहण के बिल पर संसद में पक्ष में वोट, पंजाब जाकर उसका विरोध। ये अब नहीं चलेगा, अब सूचनाओं का दौर है, जमाना सूचनाओं का है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए कांग्रेस से मैं स्टैंड स्पष्ट करना मांगता हूं कि आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। और 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज था, तब किसानों की खुदकुशियां चल रही थी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया सारा कर्जा माफ कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब भी खुदकुशियां वैसे ही चल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। जब किसान जथेबंदियां कोई ट्रैक्टर मार जा कोई और करते थे तो उसमें भी हमने साथ दिया, किसान जथेबंदियां हमारे घरों पे आए सभी एमपीज के, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध में वोट डालेंगे, जो कि हमने कल किया। तो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुमीर बादल जी ने कहा संसद में कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मुझे ये बता दें सुखबीर बादल जी कि खेती करने के बाद आप कह रहे हो हम किसान हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 1000 से ज्यादा बसें कैसे बन जाती हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 5-star होटल भी बन जाते हैं, खेती से इतना फायदा कैसे हो जाता है कि आपका ऑर्बिट एविएशन नाम का हेलीकॉप्टर की कंपनी भी है। भाई देश के किसानों को भी बता दो भी खेती से हम ये भी कर सकते हैं, कोई फायदा हो जाए किसानों का, कब की है उन्होंने खेती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं ये सब ड्रामे हैं, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचा रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस और अकाली दल। और बीजेपी पहले से इनसे नाराज थी अकाली दल से, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को वहां से हराकर भेजते हैं लोग, वो कहते हैं यार इनकी वजह से वोट नहीं डलते, तो वो तो मेरे ख्याल में खुशी मनाई होगी बीजेपी वालों ने। तो पंजाब में तो मुझे पता चला कई जगह पटाखे भी चलाए हैं बीजेपी वालों ने कि शुक्र है हमारा छुटकारा हो गया इनसे। तो और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया, तो अब ये प्रेशर भी है कि भी एनडीए के साथ हो जाए, अगर साथ हैं इस्तीफा दे दिया इसका क्या मतलब है फिर। तो ये तो मतलब अपना मुंह बचाने की कवायद है। सो आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी राज्यसभा में भी, मैं आपके जरिए राज्यसभा के सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपनी जमीर से पूछ कर वोट देना, क्योंकि हर सांसद के पास 9 MLA हैं और MLA गांव से चुनकर आते हैं, और पहाड़ी एरिया में तो 15-15, 20-20 MLA कंस्टिट्यूंसी हैं। पंजाब में हर MP जो है 9 MLA कंस्टिट्यूंसी से उसको लड़ना पड़ता है। तो अपनी जमीर
को देखकर आप अगर वोट करोगे तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है, इसको वापस किया जाए, सरकार वापस ले इसको। पूरे देश का किसान जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, सड़कों पर है। मतलब समझ नहीं आती, सिर्फ यही इंटेलिजेंट है बस, बाकी सब मतलब पागल हैं, जो इतने दिनों से अपने बच्चों को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर सड़कों पर बैठे भूखे मर रहे हैं कोरोना के दौर में, बस सिर्फ यही कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हर योजना अभी मतलब बन रही है, पहले तो कुछ चल नहीं रहा था। ये तो मुझे तो ये भी डर है, ये भी कह सकते हैं चापलूसी के इस दौर में, कि जवाहरलाल नेहरू के समय सूरज जो था 5:30 बजे छुपता था, लेकिन मोदी जी ने कहा 130 करोड़ लोगों को मैं 2 घंटे और धूप दूंगा, अब 7:30 बजे छुपता है। वो कैसे छुपता है, और पहले उगता है सूरज, उदय भी पहले होता है, दीनदयाल उपाध्याय सूर्य उदय योजना, ये भी कह सकते हैं ये। मतलब इनको ये जुमलेबाजी में माहर माहर हैं, इनको महारत हासिल है उसमें। तो ये भी एक और जुमला है कि किसानों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा, ये किसानों का जो खेती करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आम आदमी पार्टी, एक बार फिर कहता हूँ, लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में करेंगे, और इस बिल के लिए आगे तक कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे जी। देखो अगर कांग्रेस होते हुंदी भी ता बिल तो पास होना सी उन्हें तो बहुत बहुमत, पर घट घट हुंदे तो सही ना कहने वास्ते ना वो वाकआउट हो कर गए। तो फिर बिल्कुल असी कल्ले नहीं रौला पा रहे, सड़कां ते लोग ने, तुसी देख सकते हो कुरुक्षेत्र पिपली दे विच किड्डा वड्डा प्रदर्शन किसानों का होया, लाठीचार्ज होया कोरोना के दौर जिथे सोशल डिस्टेंसिंग की गल आती है, उत्थे कहिंदे सी कोरोना तो सानू घट खतरा है, आ बिलों तो सानू ज़्यादा खतरा है। इस करके बीजेपी की जिद है कि पूंजीपतियां नू कोरोना दौर जिहड़ा उहदे विच इह असी ऑर्डीनेंस लिया के असी पूंजीपतियां नू खेती फड़ा देनी है। खेती वही रही सी जिहदा प्राइवेटाइजेशन नहीं होया सी, उह करती, ठीक है जी। देखो बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी देखो चौधरी देवीलाल जी का नाम बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है, वो उनके पोतरे हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी के तौर पे देखी जाती है, और वो खुद बीजेपी के साथ वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। किसानों ने उनके घर पे लिखा था बाहर पोस्टर चिपका कर कि जब लोगों के साथ हो जाओ या सरकार के साथ, तो उन्होंने कहा बिल बहुत अच्छा है। तो मतलब सिर्फ अपनी कोई ना कोई इनकी कमजोरी भी रहती होगी, शायद तिहाड़ जेल की धमकी दे दी होगी दोबारा से, इधर ड्रग्स वाली धमकी दे दी होगी, या फिर ड्रग्स का मामला निकल के आएगा, तो कोई ना कोई तो इनके पास फाइल रहती है, उसको काम जब जब कोई जिद करता है तो ऐसे फाइल दिखा के बंद कर लेते हैं, तो कोई ना कोई कमी रही होगी ना। देखो यही बात 3 महीने बादल परिवार कहता रहा कि जी विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, और यहां आके अब कह रहे हैं जी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पता नहीं कब वो गुमराह करते हैं या अब करते हैं। मतलब पीएम साहब ने कहा था नोटबंदी के समय 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन के बाद अगर कालाधन खत्म ना हुआ इस मेरी नोटबंदी की वजह से तो मुझे चौराहे में खड़ा करके फांसी लगा देना। कितने दिन बीत गए सर, कुछ हुआ उसका, उसका जिक्र तक नहीं होता। पीएम साहब ने कहा था अयोध्या जाकर वाराणसी जाकर कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना के लिए मुझे 21 दिन चाहिए। कितने दिन हो गए सर, तालियां थालियां टॉर्च
मोमबत्ती की दिवालियाँ, मतलब कोरोना भी हैरान होगा, अपने आप से बात करता होगा, यार इंडिया में आके मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं बीमारी हूँ या फेस्टिवल हूँ। मतलब अब बोलने बंद कर दिया उन्होंने इसके बारे में। पहले हर रोज आते थे 9 बजे, 9:09 पर 9 मिनट के लिए ये करें, हद है। आप कितने कोरोना में तो हम अभी क्या सराई है कि 15 से 20 अक्टूबर तक नंबर 1 पर आ जाएंगे, मतलब विश्व गुरु और किसी चीज़ में तो नहीं बने, कोरोना में तो बन जाएंगे। हर रोज 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं हर रोज, तो ये सब इनके ड्रामे हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने कोरोना पे भी, कुछ नहीं किया। इनके पास आंकड़े नहीं है कि मजदूर कितने मर गए, इनके पास आंकड़े नहीं है। भाई रेलवे से पूछ लेते स्टेशनों पर कितने लोग मरे हैं, गूगल से निकाल लेते, डाटा नहीं है। बाकी सबका डाटा है, आपका भी सारा डाटा है उनके पास, सिर्फ मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं। मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे जन की बात। पूछ रहे किसान और मजदूरों के पांव के छाले हैं, अब तो हम कोरोना में भी विश्व गुरु बनने वाले हैं। सरकार जी अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले। थैंक यू। देखो महाराष्ट्र का किसान, विदर्भ भी किसानी एरिया है, नासिक प्याज हब है, वहाँ भी सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं, वहाँ भी प्याज दूध सब्जियाँ उनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं। खुदकुशियों के मामले में पहले पंजाब के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पंजाब का किसान क्यों मतलब तो खुशहाल है, क्योंकि MSP थी। अब ये भी छीन ली तो खुदकुशियाँ तो उस MSP के होते भी चल रही हैं। तो अगर महाराष्ट्र विरोध किया कल शिवसेना ने, TMC ने विरोध किया, BSP ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध में बोला, बिट्टू बोले, औजला बोले, पंजाब के सांसद बोले, तो लेकिन किसी को मानते नहीं है, बस कहते हैं जी आओ बिल लाओ, चलो पास करो, चलो। तो ये तानाशाही है, लेकिन ये हर रोज नहीं चलती, और अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी का एक अक्षर है, अत आड़े को अदक तत्ता त अत, और उसका अत जो है ना उन्हों अंत होने दे विच सिर्फ अदक और टिप्पी का फर्क है। जो अत करता है ना उसको भी नहीं पता चलता कि अदक की टिप्पी कब बन गई। जब भी कोई अत होती है तो उसका अंत होता है, हो जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। ताली मिट चल रही है यार। ले 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 ले